हेलो दोस्तों, उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। मेरी वीडियो आप सभी को अच्छी उम्मीद कर रहे हैं कि अच्छी लग रही होगी, तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए ताकि एक सब्सक्राइब से हमको मोटिवेट होते हैं और वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। इसीलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो आप लोग को पसंद आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब करना कीजिए। चलिए हम लोग देखने वाले हैं रीजनिंग के क्वेश्चन सब, जो कि एग्जाम में ये सब क्वेश्चन सब आपका रिपीट होते रहते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्प में लुप्त अंक ज्ञात करें। देखिए आपका क्या है, 16, 5, 4, 7, उसके बाद है 17, 5, 3, 36, 14, 6, 5, 20, वाट के स्थान पे क्या आएगा, इन्हीं के बारे में हम लोग को पता करना है। चलिए देखिए, 16 है, 5 है, इसके बाद 60 है, इस वाट के स्थान पे क्या आएगा ये हम लोग को निकालना। देखिए कितना इजी में हम लोग निकालते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए क्या है, 16, देखिए 16 को यदि 5 से मल्टीपल करते हैं कितना आ जाता है, 16 को 5 से मल्टीपल कीजिएगा, और देखिए यहाँ पे 5 को 4 से मल्टीपल करेंगे, 5 को 4 से मल्टीपल करेंगे ये आपका अंतर कितना का जाएगा, 60 का जाएगा, जो कि आपका यहाँ बीच में दिया हुआ है। देखिए यदि एक फर्स्ट लॉजिक पकड़ लिए, सेकंड को तो चेक करना, इनडायरेक्ट थर्ड में जाएंगे तो देखिए यहाँ 14 को 6 से मल्टीपल करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, 5 को 6 से मल्टीपल कर दें। देखिए 14 छक्के कितना होता है, 84 होता है, और 5 छक्के 30, 84 में यदि 30 चल जाएगा तो आपका कितना बच जाएगा, ये आपका आ जाएगा 54, जो कि आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन है आपका बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 11:30 पर घड़ी की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। 11:30 पर घड़ी की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। देखिए इसको क्या हम फास्ट सॉल्व करते हैं, इसका ट्रिक लगाएंगे। 11 ट्रिक इसका लगाएंगे, देखिए 30 आवर माइनस 11/2 मिनट, ये फॉर्मूला लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए 30 आवर कहने का अर्थ गया 30 घंटा कितना है, 11 बज रहा है, 11 हो गया माइनस 11/2 मिनट कितना है, 30 मिनट, इसको 30 से मल्टीपल करें, 30 से कटा दीजिए कट जाएगा, आपका आ जाएगा 11 + 33 = 330 माइनस 11 = 15 गुना करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 165। अब बताइए 330 में 165 हटाएंगे तो आपका कितना डिग्री आ जाएगा, 10 में से 5 गया, 5 यहाँ कितना बचा, 12, यहाँ 6 बच गया, यहाँ 1 बच गया, मतलब 165 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन है आपका डी नंबर। यदि एक निश्चित कूट भाषा में सी को आपको कितना लिखा है, सी आपका 4 लिखा हुआ है, सी आपका 4 है, सी 4 है कि ए को 14 लिखा है, को 40 लिखा है, तो फिर एफ ई ए आर फियर को वाट, इस वाट के स्थान पे क्या आएगा, इसी को आप लोगों को निकालना है। देखिए सी को 4 लिखा है तो नहीं समझ आ रहा है, 3 सी का कोड कितना होता है, सी का कोड 3 होता है, जिसको 4 ने बढ़ा दिया, उसी तरह यहाँ पे देखिए के ए है, ए का कोड 11 होता है, ए का कोड 1 होता है, 11 में 1 जोड़ेंगे, देखिए 11 में 1 अपने 12 हो जाएगा, 1 + 12 = 14 हो जाएगा, तो कहने का अर्थ जो डिजिट आ रहा है उसमें 1 बढ़ा देगा। आपका क्या है, एफ ई ए आर फेयर है, एफ का कोड होता है 6, तो 6 के जगह 7 लिखेंगे, 5 होता है, ई का कोड यहाँ 6 लिखेंगे, ए का कोड 1 होता है तो 2 लिखेंगे, 18 का आर का कोड 18 होता है जिसको 19 लिखेंगे, आप इसको जोड़ दीजिए, ये देखिए आपका कितना हो जाएगा, 6 × 2 = 8, 8 × 7 = 15 को 19 में जोड़ दीजिए, आ जाएगा 9 × 5 = 14, 2 = 1, आपका 34 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन है आपका डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आ सकती है। देखिए 4 है, 4 के बाद 196, 196 के बाद 16 है, 16 के बाद 169 है, 169 के बाद वाट है, उसके बाद 144 है, 64 है, तो देखिए इस वाट के स्थान पे क्या आएगा, ऐसा सोचिए आप लोग क्या निकालेंगे कि इस वाट को कवर कर रहे हैं। देखिए यदि मान लीजिए 4 का ये 4 है, ये 16 है, ठीक है, 4 के बाद 16 हो गया, 16 के बाद क्या आएगा, ऐसा कौन सा अगला संख्या आएगा। देखिए 4 के बाद 16, तो 16 के बाद आएगा, इसी तरह देखिए 196 है, 196 169 है, मतलब ये 14 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर है, इस तरह 12 का स्क्वायर है। अब देखिए इधर देखिए ये 4 है, ये 2 का स्क्वायर हो गया, ये 4 का स्क्वायर हो गया, तो 2 के बाद 4 है, 4 के बाद क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, इस
इसके बाद 8 का स्क्वायर होगा 64 आएगा, यहां निकालने 6 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 36, जो कि ऑप्शन है आपका सी नंबर। दी गई श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है, दी गई श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है, जरा आप सोचिए इस संख्या में जो गलत, इस संख्या में आपको चुनना है कौन सी गलत संख्या है, और आप लोग भी दिमाग लगाएंगे। ये देखिए 15 है, 28 है, 30 है, 39 है, 38 है। देखिए ऐसा कौन लॉजिक लेंगे कि सब में काम कर, यदि मान लीजिए इसको 15 को 3 से डिवाइड करते हैं, और देखिए 30 को 3 से डिवाइड करते हैं, 40 को 3 से डिवाइड करते हैं, 48 को 3 से डिवाइड करते हैं, लेकिन ये 28 भाई साहब जो है ये 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो सबसे भिन्न सबसे गलत संख्या आपका ही हो गया 28, जो कि ऑप्शन है आपका ए नंबर। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों से संबंधित संख्या को चुने, ये जो विकल्प दिया इसी के संबंधित आपको विकल्प चुनना है। देखिए 2134 है, उसके बाद 3246, उसके बाद 4262 है, उसके बाद 8 है, इस 8 के स्थान पे हम लोग को निकालना है। देखिए 2139 है, जरा सोचिए आप लोग क्या हो सकता है, 2471 की, 1461 की, 2483 की, 2371, कहने का अर्थ हो गया देखिए 2139 है, अब देखिए इसको यदि जोड़ते हैं 9 3 12 12 3 कितना हो गया, ये 15 हो गया, अब देखिए 6 4 10 10 2 12 12 3 15, यहाँ भी 15 आ गया, आगे वाले में देखेंगे यहाँ 6 2 8 8 2 10 10 8 14, यहाँ पे 14 आ गया, आगे जो आएगा उसी हिसाब से आएगा, तो देखिए आपका क्या आ जाएगा 4 2 6 6 1 7 7 7 14 आपका यहाँ पे देखिए आपका बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोप से देखते हैं, उसी तरह चांद को हम लोग क्या से देखेंगे, तो देखिए आपका बैक्टीरिया माइक्रोस्कोप से देखते हैं चांद को हम लोग क्या से देखेंगे, या चांद को हम लोग क्या देखेंगे, देखिए उपग्रह है, चांद है, रात है, उपग्रह को चांद को हम लोग किससे देखेंगे, दूरबीन से देखेंगे, जो कि ऑप्शन आ जाएगा ए नंबर। यदि 2 मई 2006 को सोमवार है तो उसी वर्ष 31 जुलाई को कौन सा दिन होगा, 2 मई 2006 को सोमवार है उसी वर्ष 31 जुलाई को कौन सा दिन होगा, जरा आप लोग बताइए कौन सा दिन निकलेगा, रविवार होगा कि शुक्रवार होगा कि सोमवार होगा कि शनिवार होगा, तो देखिए क्या हो जाएगा मई, तो मई देखिए आपका क्या हो जाएगा, मई में आपका 2 मई है, तो मई कितना 31 दिन का होता है, 31 में 2 मई घटाएंगे कितना आ जाएगा 29 आ जाएगा, मई के बाद क्या होता है जून होता है, जून आपका 30 दिन का होता है, ठीक है जून आपका 30 दिन हो गया, उसके बाद देखिए जुलाई आपको 31 निकालना है, 31 जुलाई 31 हो जाता है। अब देखिए इस संख्या को हम क्या करते हैं, इसमें हम लोग यदि हम लोग क्या करते हैं 7 से भाग देते हैं तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर आपका यहाँ पे 1 आ जाएगा, उसके बाद इसमें कितना आ जाएगा, इसमें 2 आ जाएगा, इसमें फिर आपका 3 आ जाएगा, कहने का अर्थ हो गया टोटल संख्या आपका कितना आ गया 6 आ गया, 6 आ गया। देखिए कौन सा दिन है सोमवार, सोमवार में 6 8 करते हैं कौन सा दिन हो जाएगा, सोमवार में 6 दिन ऐड करेंगे तो सोमवार कितना हो जाएगा आपका रविवार, जो कि ऑप्शन है आपका ए नंबर। क्वेश्चन है आपका लुप्त संख्या ज्ञात करें, देखिए क्या है 15 75 90, उसके बाद 18 90 108, 21 105 वाट, इस वाट के स्थान पे हम लोग को क्या लाना, वाट के स्थान पे क्या आएगा, देखिए 15 है, देखिए क्या सोच सकते हैं इसमें 15 है तो 15 × 6 कितना होता है 75 होता है, 15 को यदि 5 से मल्टीपल करेंगे 75 आ जाएगा, फिर 15 को 6 से मल्टीपल करेंगे तो 90 आ जाएगा, इसी तरह 18 को 5 से मल्टीपल करेंगे तो 90 आ जाएगा, 18 को 6 से मल्टीपल करेंगे तो 108 हो जाएगा, इसी तरह 21 × 5 कितना होता है 105 हो गया, उसी तरह 21 को यदि 6 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा 21 × 6 हो जाएगा 126, जो कि ऑप्शन है आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका और लास्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक 12 मीटर लंबे लकड़ी के लट्ठे में से रोजाना 1 मीटर काटता है, एक लकड़ी के लट्ठा में से रोजाना क्या करता है 1 मीटर काटता है, वह इसके 12 टुकड़े कितने दिन में करेगा, एक मान लीजिए ये लकड़ी का लट्ठा है, ठीक है एक व्यक्ति क्या कर रहा है कि 12 मीटर लंबे लकड़ी के लट्ठे को रोजाना 1 मीटर काटता है, मान लीजिए 1 मीटर काटा है फिर 1 मीटर काटा तो 12 टुकड़े कितने दिन में करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कहने का अर्थ हो गया
ये कितना दिन में कर काटेगा, इसके 12 टुकड़े कितने दिन में करेगा, ये आपको 11 दिन में कर देगा। कितना दिन में करेगा, 11 आपका ऑप्शन है।